हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूपमंत्र क्रीम के बारे में। दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन क्रीम के नाम से बिकती है कि ये एक आयुर्वेदिक क्रीम है और इसको आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा है अन आयुर्वेदिक मेडिसिनल क्रीम, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये एक कम्प्लीट आयुर्वेदिक क्रीम है। इसका प्राइस है 56 रुपीस में आपको ये मिल जाएगी और दिविशा कंपनी इसको यहाँ पर बनाती है। और अगर हम बात करें कि कौन कौन सी चीज़ इसमें मिलाई जाती है, तो इसमें देखो एलोवेरा मिल जाता है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिले हैं जो कि हमने कभी इनका नाम भी नहीं सुना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सर्टस, लेमन वगैरह, कजन, कौन कौन सी चीज़ इन्होंने मिला रखी है ये ही नहीं पता चल रहा है भाई साहब। वितीश विनेफेरा, मतलब क्या ही नाम है। ये सब आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, बादाम, नींबू, खीरा, दक्ष, मतलब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनसे ये पता नहीं कौन कौन सी चीज़ इन्होंने मिला के रखी हैं। तो इंग्रेडिएंट्स वाइज अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ें इन्होंने मिला के रखी हैं। मतलब लिखा है सारा डिटेल, बट उनको हमने कभी देखा ही नहीं है, जानते पहचानते नहीं है। तो कुल मिला के ये एक आयुर्वेदिक क्रीम है ऐसा बताया जाता है। इसकी अगर हम स्मेल की बात करें तो वो शानदार स्मेल इस क्रीम से आती है। और अगर हम बात करें इसको लगाने के बाद कैसा लगता है, तो मैं आपको बता दूं, इसको लगाने के बाद आपकी स्किन एकदम वाइट गोरी दिखने लगती है जब आप इसको यूज़ करते हो। तो जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपकी स्किन एकदम वाइट सी, मतलब बहुत अच्छी दिखती है, मतलब मज़ा ही आ जाता है स्किन को देखने में, मतलब फेस को देखने में, ठीक है। जब आप शीशे में अपना फेस देखते हो तो आपको मज़ा आ जाएगा ऐसा लगता है। अब बात करते हैं क्या इससे फ़ायदे हो सकते हैं और क्या ही इसके नुकसान हो सकते हैं। यहाँ इधर ये पता नहीं इधर कैसे ये बिगड़ गई, इसको साफ़ करेंगे बाद में। बट बात करते हैं फ़ायदे की, तो देखो भैया, मैंने इसको अपनी क्रीम पे एक्ने पिंपल पे लगा के देखा था, तो मुझे तो कोई ऐसे खास फ़ायदे मिले नहीं जैसा कि ये एड्स वगैरह में बताते हैं। मतलब इनके जो एड्स आते हैं टीवी पर उसमें तो सब कुछ अच्छा ही बताते हैं, हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बताती है, बट रियलिटी ये है इसकी कि मुझे तो कोई खास फ़ायदे इससे हुए नहीं। बात करते हैं कि आपको होंगे कि नहीं, तो देखो भैया मुझे नहीं हुए हैं, मेरी स्किन पर सूट नहीं हुई है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको भी नहीं होंगे। तो आप एक बार लाइए, 50-60 रुपये खर्च कीजिए, लगा के देखिए एक मंथ, अगर आपको अच्छा लगे, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इससे फ़ायदा हो रहा है तो इसको कंटिन्यू रखिए, सिंपल सी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो बंद कर दीजिए, सिंपल सी बात है। 50-60 रुपये खर्च होते हैं, जब तक अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आप नहीं देखेंगे तब तक हम दूसरों की बात पे ज़्यादा विश्वास भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझको तो नहीं हुआ, लेकिन आप एक बार लगा के देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई कि फ़ायदे हो रहे हैं नहीं हो रहा है। आप डायरेक्ट कंपनी को गलत कह दो या फिर कुछ भी कहने से पहले एक बार खुद ट्राई कर लो तो रिजल्ट पता चल जाता है, ठीक है। हालाँकि कंपनियों का काम होता है मार्केटिंग करना और हमारा काम होता है उस प्रोडक्ट को यूज़ करके उसके रिजल्ट देखना कि कैसे मिल रहे हैं कैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और कंपनियों भी कोशिश करती हैं कि अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, लेकिन कहीं कहीं की कंपनियां चोर ही होती हैं भाई साहब। तो लेकिन ये प्रोडक्ट कैसा है, इससे एक फ़ायदा है, ये कोई इतना बेकार भी प्रोडक्ट नहीं है कि इससे जब स्किन पर लगाते हैं तो अच्छी दिखती है। आधे घंटे आपको ऐसा लगेगा बढ़िया मेकअप चल, मतलब बढ़िया स्किन दिख रही है गोरी, ठीक है। तो उसमें आप इसको ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।